भारत के सभी गांवों में बिजली पहुंच जाए और सभी घरों में पहुंच जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि भारत के विकास की यात्रा का ऐतिहासिक दिन है, हमने करोड़ों भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने का वादा पूरा किया। मैं खुश हूं कि भारत के हर एक गांव में अब बिजली पहुंच गई है। तालियां। यह साधारण कामयाबी नहीं है। 28 अप्रैल को मणिपुर के गांव लेसांग में जब बिजली पहुंची तो भारत में बिजली ने एक शानदार इतिहास बना लिया, जैसा सरकार दावा कर रही है। मोदी सरकार का लक्ष्य था कि मई 2018 से पहले सभी गांवों में बिजली पहुंचा देनी है, तो पहुंच गई उनके हिसाब से। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब से कह रही है कि 18,000 गांवों में बिजली पहुंचानी। भारत में 6,00,000 के करीब गांव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2014 से पहले 5.5 लाख से ज़्यादा गांवों में बिजली पहुंच चुकी थी। शुक्र है कि प्रधानमंत्री ने इस प्रयास में शामिल सभी का शुक्रिया अदा किया और बधाई भी दी है। मगर 5.5 लाख गाँव से ज़्यादा गाँव में बिजली पहुँची, इसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। यूपीए सरकार के काम करने का यही तरीका था, ना इतिहास का पता था ना वर्तमान का, उनका आज भी वही हाल, तो वह चूक गई। हमने 2015 में एक किताब पढ़ी, ये इस किताब के लेखक हैं पीसी मैथानी और दीपक गुप्ता। किताब का नाम है अचीविंग यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस इन इंडिया। अब आप सोचिएगा मैं बिजली की किताब क्यों पढ़ रहा था। 900 रुपये की यह किताब सेज प्रकाशन से छपी है। 2015 में जब यह किताब छपी थी तब इसके लेखक पीसी मैथानी भारत सरकार के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय में डायरेक्टर थे। आज कहाँ है ठीक पता नहीं है, मगर आज भी आईएएस अफसर हैं पीसी मैथानी साहब। उनकी किताब दिलचस्प ढंग से भारत में बिजली के पहुंचने की कहानी, जरूरत, प्लानिंग, संभावनाओं पर चर्चा करती है। इस किताब के दूसरे लेखक हैं दीपक गुप्ता, वे भी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय में सेक्रेटरी रह चुके हैं, यानी ये दो आईएएस अफसरों की किताब है। इस किताब के पेज नंबर 52 पर लिखा है कि 31 जनवरी 2014 तक भारत के 8 राज्यों में के सभी गांवों में 100% बिजली पहुंच गई है। ये 8 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, हरियाणा, गोवा, केरला, पंजाब, दिल्ली। कई राज्य ऐसे थे जहां 97% से लेकर 99.9% तक बिजली सभी गांवों में पहुंच चुकी थी। इसमें है बिहार जहां 97% तक बिजली पहुंची थी 31 जनवरी 2014 तक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल। यानी 31 जनवरी 2014 तक देश में 18 ऐसे राज्य थे जहां के 97% गांवों से लेकर 100% गांवों तक में बिजली पहुंच गई थी। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन, दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी जैसे 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 100% गांवों में बिजली पहुंच गई थी। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया था। पीसी मैथानी और दीपक गुप्ता ने अपनी किताब में यह आंकड़ा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हवाले से दिया है, सरकारी सोर्स से। 2005 में भारत निर्माण योजना के तहत भारत के 1,00,000 गांवों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। तय हुआ कि मार्च 2012 तक 2.25 करोड़ बीपीएल घरों और 1,00,000 गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। लक्ष्य से ज्यादा सफलता हासिल कर ली गई। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति भारत के 5,93,732 गांवों में से 5,56,633 गांवों में बिजली पहुंच चुकी थी। इस किताब में भी लिखा है दो आईएएस अफसरों ने, सिर्फ 37,069 गांव में बिजली का पहुंचना बाकी रह गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी, उन 7 सालों में लाखों गांवों में बिजली पहुंची। मोदी सरकार के 4 साल में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचनी थी। बिजली पहुंची है तो इसकी कामयाबी की पूरी कहानी बताई जानी चाहिए, मगर बिजली मंत्री आर के सिंह की बातों से लगता है कि 5,56,633 गांवों में बिजली पहुंचने की कहानी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है 4 साल में 18,000 गांवों में बिजली का पहुंचना, वो भी जब तथ्य चेक करेंगे तो सारे गांव में बिजली नहीं पहुंची है। हमारी सहयोगी सुनेत्रा चौधरी ने आर के सिंह जी से बात की। नोबडी हैड द करेज, नन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स और व्हाटएवर हैड द करेज टू स्टैंड अप ऑन द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट और हियर ऑन द 26 जनवरी एंड से दैट लुक सो मेनी विलेजर्स आर लेफ्ट or however many villages are left, however many, whatever the states were, was left. However many was left. So, nobody had the courage to stand up and say that, look, within 1,000 days, I'll collect every village which is left. The number of villages which are left will be, informed by the states. That's how it comes. Nobody had the courage. Nobody had the courage to say that however many households are left, I will do it by the 31st of March 2019. Now, the 31st of December 2018. It requires a huge amount of courage. You are putting your credibility on the line.
बताइए 18 राज्यों में 97% से लेकर 100% तक बिजली पहुंच गई, ये इसमें किसी का करेज नहीं होगा, लेकिन बात करने का, अपनी बात रखने का स्टाइल में फर्क है। अब बताइए हम क्या करें। दिल्ली में मोदी सरकार के बिजली मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि हम दिसंबर 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचा देंगे। अभी कौन सा महीना है? अप्रैल। क्या है अप्रैल? देखिए राजेश ग्राम तो सब पूरे हो चुके हैं। अच्छा, अब मझले टोले में भी ज्यादा लंबा है तो उसपे तो थोड़ी, क्योंकि लाइन खींचना पड़ती है बहुत लंबी। ठीक है, अब कोई एक मकान यहाँ और एक महीना 3 किलोमीटर जो दूर है तो वो संभव होना, क्योंकि कहीं कहीं वन क्षेत्र है तो वहाँ पे भी तकलीफ आती है। नहीं, 31 दिसंबर हमारी लास्ट है 18 तक इसको, और हम इनको पूरा कर देंगे, क्योंकि कहीं जैसे ऐसा कोई है तो हम सौभाग्य में उनको जोड़ लेंगे। अब समझ में नहीं आता कि चीन में कौन रहता है, प्रधानमंत्री गए थे या ये गए थे, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ गांवों की बिजली को लेकर हकीकत बताएंगे। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश के गांवों का हाल जानने का प्रयास किया कि कहीं ऐसा कोई गांव तो नहीं बच गया है जहां बिजली नहीं पहुंची है। तभी तो मंत्री जी भी कह रहे हैं कि दिसंबर 2018 तक बिजली पहुंचा देंगे। देखिए रिपोर्ट। छतरपुर जिले में ढोणन गांव में रहने वाले 70 साल के भगवान दास अपनी पोती की शादी में कूलर देने वाले हैं, लेकिन खुद के घर में इन्हें पंखा तक नहीं, क्योंकि देश को आजाद हुए दशकों बीत गए, इन्हें बिजली के बल्ब की रोशनी भी नहीं मिली। वो हमारे जेठे मर गए, इधर लाइट नहीं रही। क्या समस्या जाती है लाइट के वजह? अब ये भाव जाए सरकार जाने है, बिजली के बगैर गांव में इन 40 लड़कों की अपनी कहानी है। किसी की शादी नहीं हुई, ये कहते हैं दूसरे गांव के लोग अब ढूंढने में अपनी बिटिया ब्याहने से कतराते हैं। हमारे पास न लाइट है न रोड है, रोड के खातर लाइट के खातर ब्याह वाले शादी वाले आते हैं, तो इसके बाद हम देख जाते हैं मैं तुम्हारा रोड का गाँव, लेकिन उनको मन नहीं भरते हैं। देखते सोचते हैं कि अपने भाग में कैसे हम अपनी बिटिया डालें, 2 किलोमीटर दूर है नदिया। शादी आपकी हुई क्या? अभी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? किसी के खातिर नहीं हुई है कि अपने पास कोई सुविधा ही नहीं। रात भर तौलिया हलाई, रात भर इतना मच्छर काटा, कितने का कहा मलेरिया बुखार बनत के दवाई, पैसा नहीं पूजा थे। इसे लाइट हो जाए है तो हम लोगों के बाल बच्चा भी सुख में सो है। इतने कोई सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, काहे का अपनी उजियारे की बिटिया अंधेरे में पटक दे हैं। सारों पे का समाओ रुको है, लड़कन की शादी बिटियन की शादी है, तैयार नहीं हो रहे अंत के का भैया। तुम्हारे ना रोड है ना लाइट है, और हम काहे के लाने तुम्हारे लोग शादी करवे के लाने जाए? कुछ नहीं है। शासन संविधान से जितनी सुविधाएं हैं वे सब असब सुविधाएं हैं, तो कोई सुविधाएं नहीं है। हाँ, सबसे बंचे थे। गांव में बिजली पहुंचे ना पहुंचे कमल का निशान पहुंच गया है। रोशनी के लिए कुछ सोलर लाइट या फिर तेल की ढिबरी। 50 साल की राजी बाई जब दूसरे गांव से तुलना करती है तो गुस्सा जहन में आ ही जाता है। हर गांव में बच्चन की पढ़वे है, व्यवस्था है, और हर गांव में सब चीज है। अब इतने नहीं है कछु, देखो अब मोदी जी ने सब रे जी मकान बनवा दे, सब पलखवा बन रहा है, और ढोणन में कोई साधन नहीं है। बुंदेलखंड के छतरपुर से होशंगाबाद संभाग में आदिवासी बहुल हरदा, फासला 500 किलोमीटर से ज्यादा, लेकिन हरदा के खारी गाँव में हालात एक जैसे। हरदा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूर पहाड़ी पर बसा है खारी। 30-40 परिवार के लगभग 150 लोग रहते हैं। गांव जाने के लिए न सड़क है न बिजली। बिजली देखा ही नहीं, अब बिजली लाजो। शहर में अब ब्रांडेड आटा खरीद लेते हैं या गेहूं पिसवा लेते हैं। यहां घर घर में चक्की है, उसमें गेहूं पीस कर आटा निकलता है। गांव में स्कूल तो है, लेकिन सरकार की स्टार्टअप योजना स्मार्ट क्लास के लिए यहां कोई मायने नहीं, क्योंकि बच्चों ने बिजली देखी ही नहीं। चिमनी जला को पढ़ाई करते हैं, टीवी वगैरह नहीं है, जानकारी नहीं मिलते। क्यों देखना चाहते हो टीवी?
टीवी इस कारण देखना चाहता कि उस पर जानकारी मिल जाए। हरदा जिला मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह का गृह जिला है और मंत्री जी के छोटे भाई संजय शाह इस विधानसभा से विधायक हैं। 65 साल के सोमा ने बचपन से अभी तक बिजली देखी नहीं। देश आजाद हुआ उसके बाद से बिजली आई क्या? नहीं आया। तुमने अपने बचपन से अभी तक बिजली देखी? नहीं नहीं देखा। क्या नहीं देखा आपने? जब यहाँ गाँव में लाइट नहीं है तो कहाँ देखा। बिजली नहीं होना से थोड़ा, क्योंकि कहीं भी नहीं हमारा सुविधा हो रहा है। चिमनी का उजाला में रह रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहा है ढंग से, 2 लीटर से ज्यादा मिले ही नहीं। आटा वगैरह गेहूँ कहाँ पिसाते हैं? रेड गांव जाओ या दूसरा गांव जाओ। ग्राम पंचायत आंबा में आने वाली खारी को बिजली से रोशन करने के लिए कोशिशें कई बार स्थानीय स्तर से हुई लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। प्रस्ताव तो दिए हर जी, बाकी अब तक का कोई बिजली नहीं आया। क्यों नहीं, कोई आश्वासन मिला क्या आपको सरकार? कुछ नहीं, यही है कि आ जाएंगे बोल रहा, बाकी अभी तक आए नहीं। तो यहाँ पर ये आदिवासी कैसे अपना जीवन निकालते होंगे? देसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, चिमनी के उजाले से। बिजली की समस्या है। बिजली मेरा मतलब बहुत दिनों से, आज़ादी से आज तक यहाँ बिजली आई नहीं और यहाँ के लोग आज भी देसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। रोड की भी समस्या, पहाड़ी पे बहुत ऊँचे पे गांव बसा है, हमारे द्वारा बार बार प्रयास किए गए बाकी कोई उसका उपाय नहीं निकला। सरकारी वेबसाइट बताती है मध्य प्रदेश के 5,929 गांव में 30 नवंबर 2017 तक 34 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। 6 महीने बाद 2 गांव की हालत हमने दिखा दी। 1,000 दिनों के अंदर यानी 1 मई 2018 तक 18,452 गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। योजना के तहत सबसे पहले राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतीकरण योजना कर दिया गया। ऐलान हो गया है कि सारे गांव तक बिजली पहुंचा दी गई है। वैसे 2 गांव की हकीकत हमने आपको दिखा दी है, नासा के कैमरे से नहीं बल्कि अपने कैमरों से। हरदा से अब्दुल समद और छतरपुर से अरविंद तिवारी के साथ भोपाल से अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। यही तरीका है, जब भी टीवी न्यूज के समय आपको मनोरंजन में उसके आइटम को बदल दे तो समझिएगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है। ये पूरी दुनिया भर में होता है कि न्यूज चैनल न्यूज के आइटम को मनोरंजन में बदलते हैं और आपको भी वही ठीक लगता है, थोड़ा तड़का। अनुराग की जो रिपोर्टिंग है वो जमीन पर जाकर पुराने तरह की क्लासिक तरीके की रिपोर्टिंग है। आप चाहे ना भी देखें, नुकसान आप ही का है। झारखंड से हमारे हरबंश सिन्हा, हरबंश ने सहयोगी और चतरा से, झारखंड के चतरा से, और अमरनाथ सिन्हा ने गिरिडीह के से नायाब जानकारी भेजी। हरबंश की रिपोर्ट है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने चतरा जिले के 552 गांवों में बिजली लगाने से इनकार कर दिया। इनमें से कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने खंभे भी गाड़े और तार भी खींचने का काम नहीं किया। सोचिए, 552 गांव में बिजली नहीं पहुंची, प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, उनको ट्वीट करने की जल्दी है, मगर अब काम करने से इनकार कर दिया डीवीसी ने। ये वो गांव है जिन्हें केंद्र सरकार ने फोकस एरिया के रूप में चिन्हित किया, यानी प्राथमिकता वाले गांव। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का कहना है कि ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड ने समय पर सामग्री की सप्लाई नहीं की, दूसरी कुछ और भी वजह रही। विद्युत आपूर्ति मंडल, ये सरकार का है झारखंड का, इसके अधिकारी कहते हैं कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन पर ढिलाई बरतने का आरोप लगा रहे। अब आपूर्ति मंडल के अधिकारियों का कहना है कि वे अपने स्तर पर उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं और 31 दिसंबर 2018 तक इन सभी गांवों में बिजली पहुंचा देंगे। सुना क्या आपने, 31 दिसंबर 2018, 28 अप्रैल को ट्वीट कर देना कि सभी गांवों में बिजली पहुंच गई और आप फैक्ट भी चेक नहीं करते। सुनिए इनकी बात। एक्चुअली 1208 गांव डीवीसी को विद्युतीकरण करने के लिए दिया गया था 11th प्लान में, तो उन लोगों के द्वारा काम किया गया 656 गांव में और 552 गांव निगम के कुछ मीटिंग हुए थे रांची में, उससे फिर क्लियर हुआ कि 552 गांव में वो काम नहीं कर पाए। वो 552 गांव अब डिपार्टमेंटली किया जाना है, हम लोग उसको सर्वे करा के काम शुरू किए हैं। 50-60 गांव में लगभग हम लोग का मटेरियल सब चला गया है, पोल तो लगभग मेरा 100 गांव में कर गया है और इसको दिसंबर 2018 तक खत्म करने का निर्धारित किया गया है। डिपार्टमेंटली हो रहा है, डिपार्टमेंटली थोड़ा मटेरियल का इशू था, कुछ शुरू में आया था फिर मटेरियल नहीं आ रहा था, अब मटेरियल आना शुरू हो गया है। अब बताइए, 500 से अधिक गांवों में बिजली नहीं पहुंची है मगर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री जश्न मना रहे हैं और मीडिया इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा। कुछ कुछ लोग कर रहे हैं वेबसाइट वाले, लेकिन आप हिंदी अखबारों में देखेंगे बड़ा बड़ा फ्लायर छपा होगा, कुछ ने थोड़ा बहुत सवाल भी उठाया लेकिन किनारे से। झारखंड के गिरिडीह में एक गाँव है चिरुबेड़ा,
दिरनी प्रखंड में है। अमरनाथ सिन्हा ने इसकी रिपोर्ट भेजी है। उनका कहना है कि गिरिडीह जिले में दर्जन भर से ज्यादा गांव या टोले ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची, जहां पहुंची है वहां भी हालत खराब है। चिरुबेड़ा गांव दो प्रखंड में बटा हुआ अक्सर होता है। ऐसा गाँव में एक प्रखंड में 25 से 30 घर आते हैं, दूसरे प्रखंड में 40 घर आते हैं। सदर वाले हिस्से में 4 साल पहले बिजली आ गई, ये और बात है कि बिजली आई थी मगर आती नहीं है। और दूसरे वाले हिस्से में, दूसरे प्रखंड में जो 40 घर है जहां, वहां बिजली नहीं है। तो सदर वाले हिस्से में 4 साल पहले खंभा लग गया, बिजली की तार आई मगर तब से बिजली नहीं आई। क्या पता इस हिस्से को भी गिन लिया गया हो। यहां ध्यान रखें कि गांव में बिजली पहुंचने का मतलब सभी घरों में बिजली का पहुंचना नहीं है, उसके लिए अलग से योजना है और लक्ष्य भी है। यहां बात हो रही है कि हर गांव के कुछ हिस्से में बिजली पहुंचा दी जाए और उसे इलेक्ट्रिफाइड, विद्युतीकृत घोषित कर दिया जाए। लगभग मैंने 40 चूल्हा हैं, तो इसमें से हम लोग अभी गर्म चिता करो है। हम लोग रिजनू विलेज में रहते हैं चिरुबेड़ा, तो हम लोग जहाँ तक मैंने जोगड़िया तक की व्यवस्था बिजली की है, तो हम लोग को बिजली की व्यवस्था अभी तक नहीं मिली है। हम लोग लालटेन डिबरी से काम चलाते हैं। चिरुबेड़ा में आज़ादी के बाद आज तक नहीं बिजली पहुँची है, और एक तरफ सरकार जो है सो अपने विकास के कारनामों का ढिंढोरा पीटती है, और यह ग्राम प्योर आदिवासी ग्राम है और अभी तक यहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है, यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी विडम्बना है। जल्दी पहुँचेगी, हम दिखाते हैं तो असर हो जाता है। तो आप भी अपने गाँव में चेक कीजिए, अगर भारत के सभी गाँव में बिजली पहुँच गई है तो इसका मतलब यह हुआ कि बिजली की मांग भी बड़ी होगी, बिजली का उत्पादन भी बढ़ गया होगा। यह भी चेक कीजिए तो बिजली को लेकर करंट लगने लगेगा। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।